यहाँ पर यह व्यवस्था की है कि सभी पूरी विधानसभा आज कोर्ट में परिवर्तित हुई, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले हम किसी भी प्रस्ताव से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका पक्ष क्या है, आपको भी कन्विक्शन के रूप के अंतराल पर वो सॉरी कन्विक्शन के मामले में कि कितना दंड इनके लिए हो, इनको भी मान लिया सुन लिया जाए कि क्या स्थिति है। मैं सुन लेता हूँ। आप यहाँ पर उपस्थित श्री अब्दुल समित, श्री ऋषिकांत शुक्ला, श्री त्रिलोकी सिंह, श्री छोटे सिंह यादव, श्री विनोद मिश्रा, श्री मेहरबान सिंह यादव, मैं आपको एक एक करके इस बात के लिए प्रिविलेज देता हूं कि आप अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। श्री अब्दुल समित। परम आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय माननीय सदस्यगण, परम आदरणीय तत्कालीन विधायक माननीय सलील बिश्नोई जी, मैं आप सभी लोगों का सादर चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं। राजकीय दायित्वों के निर्वहन में जो भी त्रुटियां हुई हो, जाने अनजाने में जो गलती हुई हो, मैं माननीय अध्यक्ष जी से, माननीय सदन सदस्यगण से, माननीय बिश्नोई साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि जो भी गलती हुई हो जाने अनजाने में उसके लिए हमें क्षमा कर दें। और बस इतना ही हमारा कहना है कि हम लोग जो भी हो माननीय पूरे सदन से हम लोग माफी मांगते हैं। कोई अन्य इनमें से कोई अन्य व्यक्ति कोई बात अपना कहना चाहता है तो उसको? नहीं सर, आप पूछ लीजिए सबसे। चलिए, ये कुछ ये अपनी बात इनकी आ गई, श्री अब्दुल समित जी की बात आ गई, बाकी सभी सभी का वही। आप बोल रहे हैं कुछ? बोले बोले बोलिए। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायकगण, माननीय विधायकगण और माननीय सलील बिश्नोई जी, आवाज आ जाएगी, बोलिए सीधा। हम लोगों में से अगर किसी प्रकार की दायित्वों को पूर्ण करते समय अगर कोई भी अगर त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा कर दें और भविष्य में इसकी कोई कभी त्रुटि नहीं होगी। हम लोग सभी माननीय विधायक गण का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे भविष्य में भी जी। और कोई बोलना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से सभी सदस्य ये महसूस करते हैं आज जो कटघरे में खड़े हैं, अब्दुल समित के साथ जो पांचों लोग कटघरे में खड़े हैं, उन सभी लोगों ने बाकी सबकी भी यही राय है, सभी लोगों ने विनम्रता पूर्वक माफी का प्रस्ताव किया है। लेकिन माननीय लोकतंत्र में इस विधायिका का सम्मान बचा रहना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, एक 4 लाख 5 लाख 6 लाख और 10-10 लाख लोगों से चुनकर लोग आए यहां पर, वो लोग केवल जनता के हितों में काम करते हैं। ये भी सही है कि ये अधिकारी लोग शासन के निर्देशों का पालन करते हैं, लेकिन मान्यवर ये अधिकार नहीं मिल जाता कि इन लोगों को किसी प्रकार से नाजायज तरीके से किसी को गाली दें, किसी को अब्यूज करें, किसी को अपमानित करें या डंडा चलाएं। जहां वहां पर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इस प्रकार का बल प्रयोग करें या किसी प्रकार से गाली दें, और इस प्रकार की स्थिति बाकायदा वीडियोग्राफी में आई है। मानवर यह सही है कि हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि संवेदनशीलता तो जरूरी है, निभाना भी चाहिए, लेकिन मान्यवर फिर भी चूंकि आज ये सदन कोर्ट में परिवर्तित हुआ और आपको सर्वाधिकार है हर तरह से, और इसके संबंध में भी कई प्रकरण यहाँ विधानसभा में, चाहे 1959 हो, चाहे उसके बाद 1989 हो, इसके बीच में भी एक दो प्रकरण ऐसे आए, लगातार इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी मेजॉरिटी जजमेंट से इस बात को परिभाषित किया है कि किसी भी तरीके से जुडिशरी और जो व्यवस्था व्यवस्थापिका है वो किसी प्रकार से एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करे। और हम समझते हैं कि यहाँ का ये फैसला, आपका जो फैसला, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई चैलेंजेबल नहीं है मानवर। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक ये प्रस्ताव करूंगा कि चूंकि इन लोगों का व्यवहार अपने, इन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर हम
ये चाहते हैं कि मिनिमम इनको सजा दी जाए, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सलील बिश्नोई तत्कालीन माननीय सदस्य विधान सभा उत्तर प्रदेश कानपुर नगर द्वारा श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर तथा अन्य 5 पुलिस कर्मियों के द्वारा के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के लिए दोषी कर्मियों श्री अब्दुल समद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा कानपुर नगर श्री श्रीकांत शुक्ला श्री तत्कालीन थानाध्यक्ष किदवई नगर कानपुर नगर श्री त्रिलोकी सिंह तत्कालीन उप निरीक्षक थाना कोतवाली कानपुर नगर श्री छोटे सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना किदवई नगर कानपुर नगर श्री विनोद मिश्रा तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर श्री मेहरबान सिंह यादव तत्कालीन कांस्टेबल थाना काकादेव कानपुर नगर को एक दिन यानी आज रात के 12 बजे तक दिन का कारावास की सजा दिया जाए। संविधान की उद्देशिका निम्न प्रकार से प्रारंभ होती है, हम सबको मालूम है, हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अतः हम भारत के लोग सर्वोपरि हैं एवं इस आदरणीय सदन के सदस्य भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी आप निर्णय लेंगे उससे हम पूरी तरह से सहमत। माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी श्री उमा शंकर सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस मंडप में आप हम सबके अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, इसलिए इस संबंध में भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो भी निर्णय लेंगे हम सबके हित में लेंगे। मैं अपने तरफ से भी आपको अधिकृत करता हूं कि आप अपना निर्णय दें, हम उसको स्वीकार करेंगे।